ओम अखंडमंडलाकारव्याप्तं जयनचनाचलं तत्पदं दर्शितं जन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञानभक्तिप्रदायिनी नमस्तुभ्यं योगवित्तायै योगधर्मप्रसारिणी। ॐ सृष्टिस्थितिविनाशनानां शक्तिभूते सनातनी गुणाशये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कपूरगौरं करुणायवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुषु सखा तमेव तमेव विद्यार्थिनं तमेव तमेव सर्वं मम देवमेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णार्थपूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ॐ नारायण हरि ॐ शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि परमात्मा अन्तर्यामी परमात्मा अन्तर्यामी परमात्मा अन्तर्यामी परमात्मा अन्तर्यामी नारायण हरियो नारायण हरियो शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर परमात्मा अंतर्जामी है, वो आपका अंतर का हर बात को जानते हैं और आपका, लेकिन परमात्मा को आप नहीं जानते। इसलिए हम लोग परमात्मा का भक्ति में बहुत ही कमजोर है कि जी, जैसा बोलते हैं। बहुत दिन पहले एक डॉक्टर मिला था, तो उसका पिता माता बहुत भक्तिमान था, उसको लड़का नहीं मानता।
तो उसने बोला, गुरु जी आप थोड़ा बताइए। मैंने बोला जो ठीक है, भगवान है या हम विश्वास करते हैं, जो आप जो अविश्वास करते हैं भगवान नहीं है, तो आपका इसके पीछे क्या लॉजिक है आप बताओ। भगवान नहीं है इसके पीछे आप क्या सोचते हैं, आप इसका लॉजिक बताइए। तो आपने दादा परदादा को देखा नहीं, लेकिन आपका पिताजी बोलते ये मेरा पिताजी है, वो पिताजी बोलते ये मेरा पिताजी है, आपने तो देखा नहीं उसको, फोटो ही देख रहे, तो आपको विश्वास करते कि नहीं करते। बोले हाँ, तो आप बताइए फिर भगवान है कि नहीं है, आप बोलते नहीं है, हम बोलते है, तो आप बताइए भगवान जो झूठ है, झूठ का प्रूफ क्या है? झूठ का अर्थ है जो जिसमें कुछ भी नहीं है और सच में एक सत्ता है, ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ। लेकिन आप बताओ, बच्चे जो चीज़ दिखाई नहीं देता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो हमें दिखाई तो इस संसार में कुछ भी नहीं देखते हैं, बहुत कुछ है जो सुख दुख दिखाई नहीं देते, दिखाई देते हैं, इसका कोई अस्तित्व है, तो आप क्यों दुख होने से रोते हैं, सुख होने से आप हंसते हैं, तो आपका अंदर रिएक्शन तो हो रहे हैं, तो सुख दुख का विषय है अनुभव करने का, आप में सिर्फ स्थूल वस्तु देख सकते हैं, आपको आवाज से बुला रहे हैं, आपको जो आवाज दे रहे आपको सुनाई दे रहे, लेकिन कान बंद कर दिया आंख से दिखाई देगा। तो भगवान ने ज्ञान नेत्र हम लोग को दिया है, पांच ज्ञान नेत्र दिया है, आकाश का शब्द है, शब्द जितना भी होता है वो आकाश में लय होता है, तो वो कान का विषय है, अग्नि जो है रूप का प्रकाश करते हैं, या आग का विषय है, सुगंध और दुर्गंध अब कैसे अनुभव करेंगे, क्या आंख से ना कान से, हाँ कर सकते हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई दे रहे लेकिन आप बोलते हैं भाई बहुत सुगंध आ रहा है, ये बहुत दुर्गंध है, हाँ तो कैसे बोल रहे हैं आप, तो वो तो दिखाई नहीं देते, सुगंध दुर्गंध दिखाई देते नहीं, तो फिर आप कैसे फील कर रहे हैं, जिह्वा में आप हर साथ दिखाई नहीं देते, खाने में कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई कड़वा है, तो आप कैसे पता बता सकते हैं, सुन के बता सकते हैं, न देख के बता सकते, न काम से सुन के बता सकते, बताओ साध है, साध तो है, लेकिन कौन चीज में क्या साध है बता सकता है, पर नहीं, तो हम तो बता सकते हैं, जो भाई जिब्बा में लगाओ फटा से बता देगा, हाँ और ठंडी गर्मी कैसे महसूस करते हैं, ये त्वचा है, भगवान ने दिया है, ये पहले से दे दिया, तो ये ठंडी गर्मी सुख दुख दिखाई नहीं देते, इस स्पर्श में पता चल जाते, और भगवान ने ये पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया दिया, तो आप भगवान को कैसे क्या कैसे आप बोल दिया जो नहीं है, जो दिखाई नहीं देते हैं, सुनाई नहीं देते हैं, तो आप कैसे ना कर दिया, आप लॉजिक बताओ, उसने बोल ही नहीं पाया, इसका अर्थ है आप मन माफी चलना चाहते हैं, आपका इच्छा है मानेंगे, आपको इच्छा है नहीं मानना, लेकिन आप जो नहीं मान रहे इसको आपको पीछे कोई प्रूफ नहीं है,
मैं मानता हूँ, इसके पीछे मेरा प्रूफ है। तो इसीलिए बोलते लाइट कहाँ से आ रहा है और अंधेरा कहाँ से आ रहा है? अंधेरा के पीछे कोई है? तो आप झूठ, अंधेरा तो झूठ है, आप झूठ को भगाओ अपने घर से, भगा सकते हैं? हाँ, क्या चीज से भगाएंगे? धक्का दे के अंधेरे को भगा सकते हैं? न लाठी मार के भगा सकते हैं। तो अब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसको हटा नहीं सकते, लेकिन लाइट जल रहे वो प्रकाश अब इस रूम से उस रूम ले जा सकते, जहां मर्जी उस प्रकाश को ले जा सकते, क्योंकि उसका सत्ता है, इसीलिए आप ले जा सकते। लेकिन जिसके पीछे कोई सत्ता ही नहीं है तो उसको कैसे आप ले जा सकते? लेकिन हमारा विश्वास और अविश्वास मतलब का होते हैं। हमारा मतलब पूरे हो गया तो हमारा विश्वास है, अगर मतलब पूरी नहीं हुआ तो बस अविश्वास आ गया। हमारा काम बन गया ओ भगवान है, काम नहीं बना भगवान वगैरह कुछ नहीं है। तो वो तो सार्थ का, वो हमारा सार्थ है। सार्थ का कारण मैं है नहीं है, लेकिन जो असली जो कैन है वो बोलते सच का पीछे एक अस्तित्व है, सच में चेतना शक्ति है और सच दुनिया का आनंदमय है। लेकिन आनंद नहीं मिलता है, इसीलिए संसारिक आनंद के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि वो परमात्मा का आनंद पाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। चारों तरफ से मन को हटा के एक जगह स्थिर करना कितना कठिन है, लेकिन मन को चारों तरफ से फिराना बहुत आसान है। इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, फलाना जगह घूम रहा है। तो एक बाबा जी को एक मजदूर ने बोल दिया हंसते हुए, अरे बाबा जी बैठे बैठे खा रहे और लाल टमाटर बन रहे। तो उसको बाबा जी सुन लिया, उसका हाथ में काम कर रहे थे। हाँ, हम लोग के काम कर करके काला हो जाता हूँ। तो बाबा जी उसको सुना, इधर बोले तेरा कल से ड्यूटी मेरा पास है, तू बैठ रहे। तो अब एक दिन बैठ गया, दो दिन बैठ गया, तीसरा दिन बैठा हुआ। तो बोले काम बताइए, बोल तेरा बैठने के काम है और कुछ नहीं। उसको हर हड्डी दर्द हो गया, वो दर्द हो गया, मन उधर उधर भाग रहे है, उधर भाग रहे, कभी बीड़ी पीने जा रहे, कभी ये पीने जा रहे। तो चार बोला नहीं बैठना है भाई, जब तक नहीं उठूंगा तब तक बैठा बैठा बैठा। बोले मैं परेशान हो गया, बैठा बैठा ही परेशान हो गया, अब बात करने नहीं दे रहे, वो बात नहीं करते, पेट फूल रहे, हज खाना हजम ही नहीं हो रहे। हाँ, तो बैठे बैठे बोले कैसे थक गया तू? तू तो काम करके थकते ना, तो बैठे बैठे थका कैसे? तो लाल टमाटर बन। तो इसी प्रकार दुनिया देखते हैं, बाबा जी लोग बैठे हैं, बैठ के क्या क्या कंट्रोल करते हैं वो तो पता नहीं है उसको। जब मन बुद्धि को इंद्र को एक जगह स्थिर करना कितना कठिन होता है, अरे वो इतना ना भी नहीं। तो मन बुद्धि इंद्रियों को स्थिर करना कितना कठिन होता है वो जिसको ये पता नहीं है वो बोलते हैं ये आसान है, लेकिन जो करते हैं चार तरफ से मन को हटा के भगवान का नाम लेना कितना पुरस्कार का जरूरत है।
चाहते मन तो इधर भगा रहे उधर भगा रहे, हाँ इंद्रिया ये आवाज सुनाई दे रहा है वो आवाज सुनाई दे रहे, चारों तरफ से मन को भगा रहे। अब शादी ब्याह में किसी का नींद आ गया है, नींद आ गया तो निद्रा अवस्था में सराय बज रहा है ढोलक बज रहा है उसको कुछ भी सुनाई नहीं देते, इतना आवाज का बीच में भी उसको सुनाई नहीं दे रहे, क्योंकि उसका निद्रा में इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं। तो ऐसे ध्यान अवस्था में हमारा इंद्रिया क्या बाहर का आवाज सुनाई देते, जब सुनाई देते हैं तो ध्यान नहीं हो रहे तो उधर ही जाते हैं। मन बोलते जो हमारा शक्ति महसूस नहीं होता है, मन को स्थिर करो और जो चाहेगा मन वही उसको मिलेगा, तुरंत मिलेगा। तो मन को एक जगह टिकाओ, मन को टिकाना कितना कठिन है तभी तो पता चलेगा। आप ध्यान करते हैं तो मन कहाँ कहाँ भटक गया। तो उसी प्रकार बुद्धि भी हजारों प्रकार विचार करते रहते, अरे हम ऐसे बैठने सीखे संसार चलेगा, अगर वो आदमी मर के चला गया तभी तो संसार चल ही रहे क्या बंद है। लेकिन हर आदमी का ईगो है हम काम करेंगे तभी परिवार चलेगा। तो गुरु जी ने एक कहानी सुनाया था, एक ऐसे अपना भक्त था वो दुकान उकान बंद करके गुरु जी का आश्रम में सेवा में चला जाता था। तो गुरु जी उसको बोलते हैं अरे तू रुक जा, बोले नहीं गुरु जी हमारा परिवार है, हाँ हम नहीं जाएंगे तो कैसे हमारा परिवार चलेगा। और घर में वो लोग सोचते हैं ये गुरु जी के पास जाते हैं इसीलिए हमारा अभाव खत्म ही नहीं होता। उसका बीवी बोलते हैं आप उसको आएंगे तो मैं उसको आश्रम जान ही नहीं दूंगा। क्या हुआ उधर गुरुदेव उसको एक पुलिस अफसर था उसको चिट्ठी लिख दिया जो ये भक्त जा रहा है इसको तू 6 महीना बंदी बना कर रख। अब वो चला गया, घर में जो बच्चा और बीवी था सब अपना दुकान में जाने लगा काम करने लगा तो डबल सेल होने लगा। हाँ अब इतना सेल होने लगा जो पैसा वाला बन गया, बहुत ही पैसा आ रहे 6 महीने के अंदर। और बोलते हैं पिताजी गुरु जी का आश्रम में सेवा में है इसीलिए आज इतना उन्नति हो रहे, अब तेरा पिताजी आएगा ना तो बोलोगे जो आश्रम में रहो हम लोग का उन्नति होगा। और वो उधर से वो आदमी सोचते हैं तो आप घर में जाएंगे तो गुरु जी का आश्रम जाएंगे नहीं। तो जब 6 महीना बाद छोड़ा देखा जो उसका झोपड़ी था वहां महल खड़ा कर दिया। अब वो सोचा ये जमीन जमा बेच के हमारा बीवी बच्चा चला गया होगा कहीं। उसको देखा जो अचानक उसका बच्चा लोग खेल रहे सोने का हार लगा के रखे उसका बीवी एकदम सोने का चमक रहे। तो फिर वो सोचे तो कोई पैसा वाला होगा परिवार, उसका वाइफ उसको पहचान गया अरे तेरे पिताजी आ गए बुला बुला। लड़का लोग क्या अरे पिताजी आप बाहर खड़ा चलो चलो अंदर, बोला आप मैं तो आप तो आ गया आप आश्रम ही रहो करो और हम लोग भी गुरु जी का दर्शन करने जाइए, आप जब तक आश्रम में गया था तब तक हमारा उन्नति ही उन्नति था। तो चलाने वाला उसको दिखा दिया गुरु जी तू चलाने वाला नहीं है, चलाने वाला वो परमात्मा है, हमारा सिर्फ अहंकार है जो मैं काम नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। ये सबका अंदर जितना भी संसार में बैठे हैं सब यही बोलेगा, जितना भी बड़ा पोस्ट में बैठा है
सब ऐसे ही। तो उसी प्रकार जो रामचंद्र जी का भी इसी प्रकार अनुभव था, जो वो अपना कॉलेज का प्रोफेसर था, कॉलेज का प्रोफेसर होने का कारण वो मैथमेटिक्स पढ़ाता था। आप एक दिन बाद स्टैंड में जाके उसको ध्यान लग गया और ध्यान में तन्मय हो गया। जब शाम को बास वापस आ रहे थे तो वो बास में चले गया, अरे प्रोफेसर साहब कहाँ जा रहे हैं? बोले कॉलेज जाना है। अरे कॉलेज से तो वापस आ गया बास, हम तो अपने गांव में ही बैठे हैं। गांव में? बोला हाँ। मैंने ध्यान में इतना तन्मय था तो देखा चारों तरफ, वाली मैं तो अपने गांव में ही हूँ। घर में गया, उसके बीवी को बोला देखो आज कॉलेज मिस हो गया, हम अपना ध्यान में बैठ गया था, थोड़ा लेट था ध्यान बैठ गया तो ध्यान लग गया और पता ही नहीं चला कब बात है कब बात चला गया। जब बास रिटर्न आया तब मेरे को पता चला जो वो बास 5 बजे आ गया। दूसरे दिन कॉलेज में गया तो प्रिंसिपल साहब को बोला सर सॉरी कल तो आ नहीं पाया। बोले दिमाग खराब है आपका? बोले क्यों? कल मेरे सामने आया और आपने अटेंडेंस में सिग्नेचर किया, टाइम भी लिखा हुआ है, देखिए देखा मेरा ही सिग्नेचर है, हर टाइम वही है, ये क्या संभव है? अब रामचंद्र जी भी सो जाए ये क्या संभव है? मैं जिसका ध्यान कर रहा हूं वो मेरा सारी काम कर रहे, विश्वास हो सकता है? नहीं हो सकता। ये संसार का आदमी कोई नहीं विश्वास कर सकता। दूसरा बात है जो अपना बोला, आपने तो कॉलेज में क्लास ले रहे थे, आप बच्चा लोग को जाके पूछिए, बच्चा लोग को जाके बोला सॉरी कल आ नहीं पाया, ऐसे ऐसा घटना हो गया। पर सर आप तो कल जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व कर किया, अभी भी बोर्ड में लिखा हुआ है। बोले ये क्या संभव है? वही जो हमने सिखाने के लिए आया था वो ऑलरेडी बोर्ड में लिखा हुआ है और उसको दिखाई दे रहे हैं और सब बच्चा लोग बोल रहे हैं साहब तो कल आया था। तो मैं ही बोला मैं नहीं आया, लेकिन सारा दुनिया आइडेंटिटी दे रहे हैं कि आप आए हैं, मेरा दस्तखत भी किया हुआ है, मेरा हैंड राइटिंग भी ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, ये कौन किया? तो मैं जिसका चिंतन करता हूँ वो मेरा सारी काम कर देते हैं। तो मन को स्थिर करना इतना आसान नहीं है। एकाग्र हो परम तपो, चारों तरफ से मन को एक जगह स्थिर करो तो वही सबसे बड़ा तप है। जो अपना ध्यान करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, वो करें ना, तभी तो मैं बताऊंगा उसका। जब वो मन स्थिर कर पाएगा तो उसका अंदर से अलग से जोश, अलग से शक्ति उसका अंदर से निकाल कर आते हैं। वो तो मन का बस में है, मैं ये संसार का सुख दुख लेके वो बिजी है, हमारा मतलब पूरा होता है कि नहीं इसका लिए। और ये संसार का विश्वास एक सेकेंड में टूट जाते हैं। कोई भी विश्वास परमानेंट नहीं है। जो विश्वास आपको पास था वो सारे विश्वास टूट गया। जिसने आपको विश्वास दिलाया उसी ने आपको विश्वास तोड़ देते हैं। लेकिन जो भगवान जो विश्वास दिलाते हैं वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग का इस संसार में जो आए हैं तो अपना इस विश्वास को पक्का करने के लिए एक जगह मन बुद्धि इंद्रिया को स्थिर करके उसी का नाम सुमिरन करो, वही तुम्हारा अंदर उस सच को बोध कराएगा। और सच ही असली ज्ञान है और बाकी सब झूठ है। सच बिना इस संसार में और कुछ भी नहीं है। जो सच को जान लिया वो सब कुछ जान लिया, जो सच को पा लिया वो सब कुछ पा गया और कभी भी खोएगा नहीं।
बाकी सब चीज खो जाते हैं। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णार्थ पूर्णमादिष्टे पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति शांति भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदो की, भले संत बिंदो की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।